चलिए बच्चों, फिर आपके सामने नवा सेट मेरा हाजिर है और आप यहाँ पे अच्छी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो फिर निश्चित ही इन सारे सेट्स को आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी आपको 8 सेट दिए जा चुके हैं, उन सारे सेट्स में आप बेहतर मेहनत करें ताकि आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सारी चीज़ों में ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकें। ये सारी जो आपके सेट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो 133 सेट्स की किताब है 2016 एडिशन की, उसमें से आपको दिए जा रहे हैं। एक आध दो सेट इधर उधर हो सकते हैं, अगर आप उससे करना चाहते हैं तो मिला के कर सकते हैं, इससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुल जितने क्वेश्चंस हैं लगभग सारे दिए जा रहे हैं आपको, तो अगर आप चाहें तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं या उनसे हेल्प मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के, और ये पहला सेक्शन आपके पास है, कॉमन एरर का सेक्शन है आपका। मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रोशिंग। मेक व्हाट यू राइट यानी जो कुछ भी आप लिखते हैं उसे मेक करिए, मीन समझिए या समझाइए, एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रोशिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये मेक व्हाट यू राइट लिखा है, तो यहाँ एरर हो सकते थे यदि यहाँ पे राइट के पहले उन्होंने टू दे दिया होता तो गलत होता, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में आप यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते थे, बेयर इन्फिनेटिव ही होता, बट यहाँ कोई एरर है नहीं आपकी। तो मेक व्हाट यू राइट सही है, एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रोशिंग। अब अगर आप क्लास का सेंस रखते हो, कंजंक्शंस को समझते हो, तो हमेशा याद रखें ये जो एंड है आपका, ये जब भी जोड़ेगा दो समान चीज़ों को जोड़ेगा। आप देख रहे होंगे एब्जॉर्ब्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है और एनग्रोसिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया, ये कभी नहीं हो सकता है। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जो एनग्रोसिंग है और जो एब्जॉर्ब्ड है ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं यूज़ कर सकता है। अब हमें ये देखना है कि हम एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रोस्ड लें या फिर एब्जॉर्बिंग एंड एनग्रोसिंग लें। तो अगर हम मीनिंग समझते हो, एब्जॉर्ब्ड वो व्यक्ति है या वो चीज़ है जिस जो चीज़ें शोषक हैं यानी जो शोषित करते हैं और किसी चीज़ को सोखते हैं, और एनग्रोसिंग वो वर्ड है जो किसी चीज़ को अपने में तल्लीन कर लेते हो। हमारा जो सेंस है वो ये है कि एंड से मोर, और वो चीज़ें ज़्यादा कहो जो चीज़ें ज़्यादा दिलचस्प हो, मनोरंजक हो। तो अगर दिलचस्प और मनोरंजक के सेंस में यूज़ करना है तो एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्बिंग लेना होगा। तो यहाँ हो जाएगा मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्बिंग हो जाएगी। ये जो एब्जॉर्ब्ड है, चूंकि यहाँ एनग्रोसिंग है तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग होगा, एब्जॉर्बिंग एंड एनग्रोसिंग हो जाएगा, यानी सी पोर्शन में आपका एरर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन मस्ट ओबे वंस टीचर। अगर आप ध्यान से इस वाक्य को देखें तो जब आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आप जानते हैं जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन होता है तो फिर उसका जो पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी वन से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे वो गलत देते तो यहाँ हिज कर देते, हर कर देते, बट उन्होंने ऑलरेडी जो पॉजिटिव केस है वो देखे वंस उन्होंने लिया हुआ है, यानी यहाँ कोई एरर नहीं है। वन मस्ट ओबे वंस टीचर यानी हर एक को अपने अध्यापक का कहा मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी यहाँ पे नो एरर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेंस बिफोर शी फेड हर डॉग। शी ऑलवेज फेड, वो हमेशा खिला देते थे, खाना भोजन देते थे हर चिल्ड्रेंस। ध्यान से देखिए आप, चिल्ड्रेन तो खुद ही प्लूरल होता है चाइल्ड का, फिर इस चिल्ड्रेन में आपको अलग से ये एस लगाने की क्या जरूरत है, चिल्ड्रेन तो ऑलरेडी प्लूरल है आपका, यानी ये बी पोर्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेन, वो हमेशा अपने बच्चों को खिला लिया करते थे, बिफोर शी फेड हर डॉग, अपने कुत्ते को खिलाने से पहले, तो यहाँ बी पोर्शन में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। वो शाम को यहाँ पर आए एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स, और फिर उन्होंने आगे का जो व्यवस्था थी वो करना शुरू कर दिया। वैसे भी आप देखें करना शुरू कर दिया तो फिर बिगिन कैसे होगा। और दूसरा रूल अगर आपको याद हो कि ये जो पूरी क्लास है आपकी
दे केम हियर इन द इवनिंग, ये पास्ट में जा रही है, तो फिर ये भी क्लास जो होगी नॉर्मली वो पास्ट में जाएगी, तो बिगिन मेकिंग के स्थान पे बिगैन मेकिंग हो जाएगा, यानी आपका जो बी पोर्शन है वो एरर हो जाएगा। चलिए दूसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन। पहला वाक्य है आपका, बीइंग इल ही केम टू वर्क। इसके हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा बीइंग इल, बीमार होने के कारण ही केम टू वर्क, वह कार्य करने आया। अरे भाई आप सोचो ना कि अगर वो बीमार रहेगा तो फिर कार्य करने कैसे आएगा, यानी ये जो पोर्शन है वो कहीं कहीं गलत है। अब हमें ये समझना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में जो तीन ऑप्शंस में से आप एक चूज कर सकते हैं वो कौन सा बेस्ट है। पहला ही केम टू वर्क एंड फेल इल, कहीं कोई रिलेशन नहीं है कि वो कार्य करने आया और बीमार पड़ गया, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। डिस्पाइट कमिंग टू वर्क ही वॉज इल, डिस्पाइट कमिंग टू वर्क यानी कार्य पर आने के बावजूद ही वॉज इल, वह बीमार था। कहीं से कोई लग रहा है कुछ आप इससे कहीं मेल खा रहा है, कतई नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वर्क बीइंग इल यानी बीमार होने के बावजूद ही केम टू वर्क, वह कार्य करने आया। यही तो वो कहना चाह रहे थे ना कि बीमार था वो, उसके बावजूद वो कार्य करने आया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। ध्यान से देखें, शी हैड रियलाइज्ड पास्ट परफेक्ट दैट शी हैड सीन हिम बिफोर कि उसने उसे पहले देखा था, दोनों पास्ट परफेक्ट में दिए गए हैं। उसने जब महसूस किया उसके पहले वो उसे देख चुकी थी, उसे ऐसा लगा था, यानी जब उसने महसूस किया वो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा और जो घटना उसके पहले हो चुकी है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो ये जो दैट सी हैड सीन हिम बिफोर, ये तो सही है आपका, लेकिन ये गलत है ना। शी हैड रियलाइज्ड, सी हैड रियलाइज्ड कैसे हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। उसने महसूस किया कि उसने उसे पहले ही कहीं देखा था, तो यहाँ सी हैड रियलाइज्ड ना होकर के शी रियलाइज्ड हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हैड बीन रियलाइज्ड नहीं होगा, रियलाइज्ड हो जाएगा आपका, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, शी रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। हैज तो हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका है इंप्रूवमेंट, शी इज विलिंग टू हेल्प यू। जिस विल मीन्स फ्यूचर का गागी के होता है, फ्यूचर की पहचान होती है, उसी विल मीन्स नाउन के रूप में वशियत भी होती है और उसी विल मीन्स वर्ब के रूप में चाहना भी होता है। तो शी इज विलिंग, वो चाह रही है टू हेल्प यू, आपकी मदद करना, वास्तव में तो सही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इससे बेहतर कुछ है। शी इज विलफुल, कतई नहीं, शी इज विलफुल टू हेल्प यू क्या हो जाएगा। सी इज विलफुली, भाई एडवर्ब की हमें जरूरत ही नहीं है। विलिंगली, जरूरत ही नहीं आपको है विलिंगली, ऑलरेडी वाक सही है आपका। शी इज विलिंग, वो चाह रही है टू हेल्प यू, आपकी मदद करना, यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए चौथा आपके पास है, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन आर डिफ बार्न एवरी ईयर। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन, सैकड़ों बच्चे आर डिफ बार्न, जन्मजात बहरे होते हैं, मैं जब वो पैदा होते हैं उसी समय बहरे होते हैं। एवरी ईयर हर साल, यानी हर साल जो सैकड़ों बच्चे होते हैं वो जन्मजात यानी जन्म से ही बहरे होते हैं। अब डेफ आर बॉर्न एवरी होगा, सोच सकते हैं ये गलत है स्ट्रक्चर आपका। वैसे भी डेफ आर बॉर्न एवरी लेंगे तो वहां एवरी एवरी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एवरी बॉर्न आर डेफ मतलब है कोई, एवरी बॉर्न हर कोई जो जन्म लिया हुआ वो बहरा हो जाएगा, गलत है। आर बॉर्न डेफ एवरी ईयर सही है। आर बॉर्न डेफ, बॉर्न डेफ मीन्स जन्मजात बहरा होता है, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन आर डेफ बॉर्न के जगह पे हो जाएगा बॉर्न डेफ एवरी ईयर। बॉर्न डेफ मीन्स जन्मजात रूप से जो बहरे होते हैं वो बॉर्न डेफ होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कलर चेंज हो गया, तो फिर आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया अब आपके सामने। पहला है आपका, शी फेल्ड टू डैश हर नेम, टू हर नेम, शी फेल्ड टू हर नेम,
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें क्या रखना है यहाँ पे. शी फेल टू कीप अप टू हर नेम होगा, शी फेल टू लाइन अप टू हर नेम होगा, या शी फेल टू राइज अप टू हर नेम होगा, या शी फेल टू शाइन अप टू हर नेम होगा. शी फेल टू कीप अप हर नेम कोई मतलब नहीं है. कीप अप मीन्स किसी चीज को बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, कीप अप फ्रॉम या कीप फॉर होता है, कोई मतलब नहीं इसका है. शी फेल टू लाइन अप टू हर नेम सर कोई मतलब नहीं. सो लाइन अप क्या होता है, ये हो सकता है सी. शी फेल टू राइज अप टू हर नेम, लेकिन इसमें बेहतर होता है एस एस ए को. यहाँ जहाँ उसने लाइन अप लिखा है वहाँ पर उसने लिव अप लिख दिया होता तो लिव अप टू होता है. लिव अप टू मीन्स अपेक्षा के अनुरूप कार्य करना, तो सही हो जाता शी फेल्ड टू लिव अप टू हर नेम. यानी जिस तरीके की उससे अपेक्षाएं थी, जिस तरीके को उसका नाम था, वैसा करने में वो असफल हो गई. वास्तव में यहाँ कोई भी आंसर आपका सही नहीं, बट इन दिए गए ऑप्शंस में सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, तो आपका सी ऑप्शन हो सकता है. चलिए नेक्स्ट है. द इकोनॉमिक डैश हैज अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली. ट्रिमेंडसली मीन्स बहुत अधिक. तो उस इकोनॉमिक क्रैक डाउन ने यानी प्रहार ने, करारे कदम ने, कठोर कदम ने, तो है नहीं ऐसा कुछ. उस इकोनॉमिक शो डाउन ने, भाई शो डाउन किसी का शो कैसे अफेक्ट करेगा सेल्स को. उस इकोनॉमिक टच डाउन ने, कतई नहीं टच डाउन क्या होता है. द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली. समझ सकते हैं स्लो डाउन मीन्स मंदी होती है, यानी आर्थिक मंदी ने हैज अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली, हमारी सेल्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है. यानी ए बी सी न होकर के हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लो डाउन. स्लो डाउन मीन्स मंदी, मीन्स किसी चीज में जब रफ्तार धीमी हो जाती तो वो स्लो डाउन हो जाता है. तो द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका. ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स. अब हमें ये देखना है कि हमें कन्फॉर्म विद लेना है, कन्फॉर्म टू लेना है, कन्फॉर्म विद लेना है या कन्फॉर्म टू लेना है. सबसे पहले अगर आप एक सोचें तो सी और डी हटा हट जाएगा आपका, 50-50 हो जाएगा. वजह समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑल ऑर्डर्स हमारा प्लूरल है तो कन्फॉर्म्स और कन्फॉर्म्स विद और टू कैसे हो सकता, तो सी डी फिनिश. अब हमको दो में से एक चूज करना, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ प्रीपोजिशंस बहुत मस्ट हैं, मेहनत करेंगे तो हमेशा काम आएगा आपके. तो ऑल ऑर्डर्स मस्ट कन्फॉर्म विद द रूल्स होगा या कन्फॉर्म टू द रूल्स होगा. तो अगर आपको याद हो कन्फॉर्म टू द रूल्स होता है, तो ऑल ऑर्डर्स मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स, यानी जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे रूल्स के मुताबिक होने चाहिए. तो यहां कन्फॉर्म टू हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका. एज द डॉक्टर डैश इन टू द रूम द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट. आप क्या कहना चाह रहे होंगे, आप ये कहना चाह रहे हो जैसे ही डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया, जैसे ही डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट. दोनों घटनाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर यहां पे आप ये करें कि जैसे ही डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया, कम्स तो होगा नहीं, प्रवेश करता है ऐसा, तो यहां हैंडेड है तो कम्स का रिलेशन कैसे हो जाएगा. एज द डॉक्टर केम हो जाएगा, एज द डॉक्टर केम इन टू द रूम, जैसे डॉक्टर कमरे में आया नर्स ने उसको टेम्परेचर चार्ट जो था पेशेंट का वो थमा दिया, उसे दे दिया. सही है, इस कमिंग हो नहीं सकता है. और आप ये नहीं कहना चाहेंगे एज द डॉक्टर वॉज कमिंग, जब डॉक्टर कमरे में आ रहा था, ऐसा तो ही नहीं ना. आप यही कहना चाहेंगे जैसे डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया नर्स ने उसे टेम्परेचर चार्ट दे दिया उसे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा. चलिए ये हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं. वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, पढ़ाया है मैंने बच्चों को कि जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसका संकलन करता है वो एक लेक्सिकोग्राफर होता है. लेक्सिकोग्राफर मीन्स शब्द कोश का संकलन करने वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. लैपिडिस्ट आप समझते होंगे, जो किसी पत्थर को तराशता है, उसे एक आकार देता है, उसे इंग्रेव करता है, वह लैपिडिस्ट होता है, पत्थर तराशने वाला. कार्टोग्राफर भी आपको याद होगा, जो मानचित्र बनाता है, मानचित्र बनाने वाला वो कार्टोग्राफर होता है. और बिब्लियोग्राफर याद होगा, जो ग्रंथ सूचीकार होता है वो बिब्लियोग्राफर होता है, जो पुस्तकों की जो ग्रंथ सूची होती है उससे संबंधित
कार्य करता है, तो वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। हर क्लास में बच्चों को मैंने बताया होगा कि जो धार्मिक सभा होती है, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वहां पे जो गैदरिंग होती है उस गैदरिंग को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, मीन्स समागम कहते हैं, धार्मिक सभा कहते हैं। तो अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस आपको हिंट दे दे रहा है कि कॉन्ग्रीगेशन हो जाएगा, यानी एक समागम, एक मंडली जो होती है वो आपका कॉन्ग्रीगेशन होता है। ऑडियंस समझते होंगे, श्रोता होते हैं, तो इनका रिलीजियस प्लेस से ऑडियंस का कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग गाने वगैरह कोई इस तरीके के कॉन्सर्ट वगैरह सुनने जाते हैं वो ऑडियंस कहलाते हैं। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, जो दर्शक होते हैं, तो रिलीजियस प्लेस पे दर्शक नहीं जाते हैं। माफ क्या होती है, जो उपद्रवी भीड़ होती है, लूटपाट करने वाली, उसे मॉब कहते हैं, तो मॉब भी यहां पे नहीं होगा, तो कांग्रीगेशन हो जाएगा आपका। कांग्रीगेशन मीन्स समागम, धार्मिक सभा। तो अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस ऑफ कांग्रीगेशन। चलिए नेक्स्ट आपका है अ प्लेस वेयर, सॉरी नेक्स्ट है आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स। आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स यानी मेटल्स से संबंधित जो कार्य करने की कला होती है वो मेटलॉइड नहीं होती। मेटलॉइड क्या होती है, एक उप धातु होती है, यानी जो कुछ वो होती मेटल की होती है और कुछ अन्य धातु नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो मिश्रण होता है वो मेटलॉइड होता है। मेटाफिजिक्स क्या होती है, मेटाफिजिक्स हमारा अध्यात्म विज्ञान होता है, तो मेटाफिजिक्स का यहाँ मेटल्स से कोई मतलब नहीं है। मेटोराइट क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं उनको मेटोराइट कहते हैं, यानी उल्का पिंड समझते होंगे जो करीब करीब 90% जो चीज़ें होती हैं उनकी वो रॉक से बनी होती हैं, कुछ मेटल्स वगैरह से, कुछ अन्य चीज़ों से बनी होती हैं, तो ये उल्का पिंड होते हैं, मेटल्स से इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेटलर्जी हो जाएगा, तो आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स मेटलर्जी होगा। मेटलर्जी मीन्स होता है धातु कर्म, अर्थात धातु से संबंधित, मेटल से संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हें मेटलर्जी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मेटलर्जी मीन्स अ गैदरिंग एट, सॉरी आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स मेटलर्जी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अगर आपको याद हो, एपियरी वो स्थान होता है जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, एवियरी वो स्थान होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, यानी हमारा आंसर हो गया अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो हो जाएगा एवियरी। अक्वेरियम में आपको याद होगा जल जीवशाला, एक ट्रांसपेरेंट टैंक जिसमें आप किसी मछली या अन्य चीज़ों को रखते हैं वो अक्वेरियम कहलाता है, जल जीवशाला। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी वो स्थान होता है जहाँ पे किसी चीज़ को रेफ्यूज दिया जाता है, उसकी सेफ्टी की जाती है, वो सेंचुरी होती है। जिसे अभयारण्य कहते हैं, मीन्स जहाँ पशु पक्षी रहते हो वो सेंचुरी होती है हमारी। तो आंसर हो जाएगा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट का एवियरी। चलिए एंटोनिम से शुरू हो गए हमारे पास। पहला एंटोनिम है आपका बिजार का, आपको खोजना है। बिजार मीन्स होता है अजीब, विचित्र, तो कॉमिकल तो होगा नहीं, कॉमिकल मीन्स जो हंसाने का काम करे या जिसे हंसी आए वो कॉमिकल है। रिडिकुलस नहीं होगा, रिडिकुलस मीन्स होता है हास्यास्पद, तो बिजार का हास्यास्पद से क्या मतलब है। ड्रॉल होगा नहीं, ड्रॉल मीन्स नाउन के रूप में एक मस्खरा होता है जो मजाक करने वाला होता है, और वर्ग रूप में मजाक करना, उपहास करना होता है। कुछ बच्चों को याद होगा ड्रॉलरी याद होगा, उपहास परिहास। हाँ, बिजार मीन्स होता है विचित्र, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, तो बिजार का एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स आप जानते हैं नियुक्त करना होता है, तो डिसयूनाइट तो होगा नहीं, डिसयूनाइट में दो जुड़ी ही चीजों को अलग अलग कर देना होता है। रिवार्ड होगा नहीं, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार होता है। डिसमिस, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप अपॉइंट करते हैं तो आप किसी को नियुक्त करते हैं, और डिसमिस करते हैं तो उसे उसके पद से बर्खास्त कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अपॉइंट का एंटोनिम डिसमिस हो जाएगा। यील्ड नहीं होगा, क्योंकि यील्ड में समर्पण करना होता है या प्रदान करना, तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, तो अपॉइंट का एंटोनिम हो जाएगा डिसमिस। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिल्टी। आप शायद नॉर्मल वर्ड है, समझते होंगे आप इस लेवल पे। गिल्टी मीन्स दोषी, अपराधी होता है, तो सॉरी से कोई मतलब नहीं आपका है। सॉरी मीन्स जो आदमी अपना खेद प्रकट करता है वो सॉरी करता है। ऑनेस्ट का भी मतलब नहीं है इससे कोई, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। डवियस का भी कोई मतलब नहीं, डवियस मीन्स संदिग्ध होता है।
हाँ इनोसेंट हो जाएगा। गिल्टी मीन्स जो दोषी होता है वो होता है, तो इनोसेंट मीन्स निष्कपट निर्दोष जो होता है वो होता है, तो गिल्टी का एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूजेशन। अगर आपको याद हो एक्यूजेशन मीन्स आरोपण होता है, मीन्स किसी पर आरोप लगाने की जो क्रिया होती वो एक्यूजेशन होती है, अक्यूज से बना है, अक्यूज मीन्स आरोप लगाना। तो अगर एक्यूजेशन मीन्स आरोप लगाने की क्रिया है तो आपको याद होगा एक्सकल्पेट से एक्सकल्पेशन बना है, मीन्स आरोप से मुक्ति होती है। तो एक्यूजेशन मीन्स आरोप लगाने की क्रिया, तो एक्सकल्पेशन मीन्स आरोप से मुक्त कर देने की क्रिया। तो एक्यूजेशन का जो एंटोनिम है वो एक्सकल्पेशन हो जाएगा। कंप्लेंट तो होगा नहीं, कंप्लेंट मीन्स शिकायत होती है, इसका एंटोनिम तो कतई नहीं होगा। ये एनकरेजमेंट नहीं होगा, एनकरेजमेंट प्रोत्साहन होता है, एक्यूजेशन का इससे कोई मतलब नहीं। फेलिसिटेशन भी नहीं होगा, फेलिसिटेशन मीन्स बधाई होती है, अभिनंदन होता है, तो एक्यूजेशन का ही नहीं होगा। तो एक्यूजेशन का एंटोनिम हो जाएगा एक्सकल्पेशन, मीन्स दोष से मुक्ति। चलिए नेक्स्ट पोर्शन है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला वर्ड है आपका टू मेक अप वंस माइंड। याद करें टू मेक अप वंस माइंड, जिन बच्चों को मैं फ्रेजल वर्ड्स पढ़ा रहा था मैंने कहा था मेकअप मीन्स तय कर लेना होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में कोई चीज तय कर लेते हैं तो आपने निश्चय कर लिया कि आपको क्या करना है। तो देखें क्या होगा, टू थिंक क्रिएटिवली नहीं होगा, रचनात्मक सोचने से कोई मतलब नहीं है। टू डिसाइड व्हाट टू डू, बिल्कुल देख लें यही हो जाएगा। टू मेक अप वंस माइंड मीन्स तय कर लेना होता है कि आपको क्या करना है। तो टू डिसाइड व्हाट टू डू यानी बी ऑप्शन जो आपका है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इडियम है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्न बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर समझते होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामले होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। ये एक इडियम है जिसके मीन्स होता है जो पूरे विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं उन्हें द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच कहा जाता है। यानी गार्डियंस ऑफ ट्रेजर कतई नहीं होगा, विचक्राफ्ट ऑफ ज्यूरिच कतई नहीं होगा, फॉरेन लीडर्स, लीडर्स से क्या मतलब है इनका, बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, बिल्कुल सही देख लें यहां हो जाएगा आपका बिग इंटरनेशनल बैंकर्स मीन्स द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। याद रख लेंगे काम आएगा आपके, द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच मीन्स बिग इंटरनेशनल बैंकर्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड टू पुट इन अ नट शेल। जब भी आप पहले इंटरमीडिएट वगैरह लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन लिख रहे होंगे तो आपके मन में आता रहा होगा कि आपको इसे इन अ नट शेल लिखना है। इन अ नट शेल मीन्स संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह इन अ नट शेल होता है। देखिए कौन सा इन चार में है जहां पे इन अ नट शेल का सेंस आ रहा है, टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ब्लंट होकर के मीन्स रूखे तरीके से बोलना कोई मतलब नहीं इसका है। टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव अबाउट समथिंग, या लॉन्ग और एग्जॉस्टिव विवरण युक्त से कहा मतलब ये तो संक्षेप की बात कर रहे हैं आप। टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, हाँ बिल्कुल सही है, कंसाइसली मीन संक्षिप्त होता है, तो टू स्टेट समथिंग कोई चीज कहना वेरी कंसाइसली बिल्कुल संक्षेप में, तो हो जाएगा टू पुट इन अ नटशेल का टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, यानी ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डी है टू प्लेस समथिंग, सॉरी यहाँ प्लेस होना चाहिए था, PLAC, टू प्लेस समथिंग रखना, रखने से कोई मतलब नहीं आपका है, तो सी हो जाएगा टू पुट इन अ नटशेल का टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, मीन्स किसी चीज को बहुत संक्षेप में कहना। नेक्स्ट आपका इडियम है Nowadays it has become a fashion, आजकल ये फैशन हो गया है, प्रचलन हो गया है टू टेक फ्रेंच लीव। याद है फ्रेंच लीव आपको ना, जब कोई व्यक्ति बिना बताए बिना पूर्व सूचना के अवकाश पे जाता है, छुट्टी ले लेता है ऑफिस से, तो वह फ्रेंच लीव पे चला जाता है, यानी बिना अनुमति छुट्टी लेना, ये होगा टेकिंग लीव टू गो टू फ्रांस, कोई मतलब है सोच के देखें इसका नहीं। सीकिंग परमिशन फ्रॉम फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी से आप परमिशन ले रहे हो, ऐसा कुछ तो यहाँ मतलब नहीं है। सेइंग गुड बाय इन फ्रेंच स्टाइल कोई मतलब नहीं है। एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, समझ गए होंगे फ्रेंच लीव का मतलब, कि जब आप अपने आप को बिना परमिशन बिना बताए आप छुट्टी ले लेते हैं, एब्सेंट कर लेते हैं, तो फिर आप वहाँ फ्रेंच लीव लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया यूज है, एब्सेंट का प्रयोग है, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे है इसलिए वन सेल्फ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी की गई है। फिलहाल फ्रेंच लीव का हो जाएगा
डी ऑप्शन एब्सेंटी वंसल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन छुट्टी पे जाना। चलिए फिर से आपकी कलर चेंज हो गया आपका, तो फिर आपके पास चार शब्द हैं, इन चार में से एक कोई शब्द ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग सही होगी, बाकी तीन गलत होंगे। तो इक्वैनिमस, चारों शब्द देखिए, इक्वैनिमस अगर आपको याद हो, इक्वैनिमस मीन्स गंभीर होता है, जो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होता है वो इक्वैनिमस होता है। तो ई क्यू यू ए एन आई ओ एम ओ यू एस होता है। तो देखें अगर चारों में, तो आपको सी ऑप्शन जो यहाँ पे है ये आपको नजर आ जाएगा, ई क्यू यू ए एन आई एम ओ यू एस, इक्वैनिमस मीन्स गंभीर, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है ह्यूमेन, पहले तो स्पेलिंग गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी देख लें सही है, एच यू एम ए एन ई, ह्यूमेन मीन्स वह मनुष्य जो दयालु होता है वह ह्यूमेन होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, चारों एक ही वर्ड है, पेडेस्ट्रियन, और बहुत ईजी वर्ड अगर आपको याद हो, पी ई डी ई एस टी आर आई ए एन होता है पेडेस्ट्रियन, तो सी बी ऑप्शन देख लें यहाँ पे, जो बी ऑप्शन, एक मिनट बस, ये आपका बी ऑप्शन है पेडेस्ट्रियन, यानी ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है पेडेस्ट्रियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा शब्द भी आपके लेवल पे आसान होना, लेबोरेटरी तो बहुत ही आसान होना चाहिए आपके लिए, कुछ कोई ऐसा वर्ड नहीं जो कठिन है, आप बना सकते हैं, एल ए बी ओ आर ए टी ओ आर वाई होता है, तो सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे लेबोरेटरी तो आपको याद आ जाएगा। चलिए सरनेम्स हमारे सामने हैं, चेस्टाइज पहला वर्ड है, चेस्टाइज समझते होंगे, चेस्टाइज मीन्स होता है, एक्चुअली ये चेस से बना है जिसके मीन्स होता है पवित्र कर देना, लेकिन चेस्टाइज की जो मीनिंग दी जाती है वो आपको दी जाती है डांटना, फटकारना किसी को, लेकिन इसका अगर आप सेंस निकालें समझ जाएंगे, जब किसी में कोई कमी हो और उसे डांट करके उस कमी को आप दूर करना चाहते हो तो आप उसे चेस्टाइज करते हैं। तो यहाँ चेस से तो कोई मतलब नहीं है इसका सिनोनिम के रूप में, हाँ अपब्रेड है, अपब्रेड याद होगा आपको, झिड़की देना, डांटना किसी को, तो चेस्टाइज का जो सिनोनिम होगा वो अपब्रेड हो जाएगा। प्रेस समझते होंगे, प्रशंसा करना होता है, मॉनिटर किसी चीज़ को संचालित करना, नियंत्रित करना होता है, निगरानी करना, तो इसका नहीं होगा, चेस्टाइज का सिनोनिम हो जाएगा अपब्रेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फीबल, फीबल मीन्स होता है कमजोर, तो अगर कमजोर है तो सिनोनिम समझते हैं, इस्तेमाल तो होगा नहीं उसका सिनोनिम, प्लेफुल होगा नहीं, प्लेफुल में चंचल होता है, हाँ बिल्कुल देखिए वीक दिया गया यहाँ पे, तो फीबल का सिनोनिम हो जाएगा वीक, मीन्स एक ऐसा शब्द जो कमजोर हो, फीबल का सिनोनिम हो जाएगा। प्रेटी होगा नहीं आपका, क्योंकि प्रेटी मीन्स होता है सुंदर के रूप में भी होता है, प्रेटी मीन्स तुच्छ भी होता है, प्रेटी मीन्स आपका कोई ऐसा जो ओछा किस्म का होता है वो भी होता है, और प्रेटी मीन्स बहुत के सेंस में भी आप यूज़ करते हैं। फिलहाल फीवल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉन, पॉन मीन्स होता है कई होता है वैसे, पॉन अगर आप शतरंज खेलते हो तो पॉन मीन्स प्यादा होता है, अगर वर्ब के रूप में आप पॉन को यूज़ करते हैं तो पॉन मीन्स होता है किसी चीज़ को बंधक रखना, गिरवी रखना, और अगर एक नाउन के रूप में आप यूज़ करते हैं तो पॉन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, वचन। तो अगर इस सेंस में देखेंगे तो ये वर्ड आपको मैच करेगा, प्लेज आपको याद होगा, प्लेज मीन्स वचन या प्रतिज्ञा होती है, तो पॉन का सिनोनिम हो जाएगा प्लेज। स्क्रॉन्ज होगा नहीं आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, स्पंज भी नहीं होगा, हायर भी नहीं होगा, हायर समझते होंगे जब आप किसी को भारी पे ले लेते हैं तो हायर करते हैं, स्पंज भी आप समझते होंगे जो अवशोषक होता है, पानी वगैरह सोखता है वो स्पंज होता है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैस्ट्रो, मैस्ट्रो जो किसी चीज में दक्ष होता है, बहुत कुशल होता है, वो मैस्ट्रो होता है, अगर वो मैस्ट्रो है तो नॉविस तो कतई नहीं होगा, नॉविस मीन्स नौसिखिया होता है, एडमायरर से कोई मतलब नहीं, एडमायरर मीन्स प्रशंसक होता है, जीनियस हो जाएगा, हाँ यहाँ जो चारों वर्ड्स में यही हो जाएगा, मैस्ट्रो मीन्स किसी चीज़ में दक्ष, तो जीनियस मीन्स भी प्रतिभाशाली होता है, तो मैस्ट्रो का सिनोनिम हो जाएगा जीनियस, एम्प्लाई से तो कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे, तो मैस्ट्रो का सिनोनिम हो जाएगा जीनियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका, आपके पास पिकीवारिस के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और आप देखेंगे यहाँ पे वो सेक्शन है जो आपके सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, और अगर आप मेहनत करें यहाँ पे तो आप अच्छे जाएंगे। फिलहाल ये नॉर्मल लेवल पे आपको दिए गए हैं, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स टच्ड द अराइव्ड एंड देयर टीचर फीट ऑफ विद रेवरेंस। द स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं से भी क्लास समझते हो तो यह एक क्लास का केवल एक पोर्शन है, द स्टूडेंट्स मीन्स सब्जेक्ट के रूप में आपको दिया गया,
अभी अगर सब्जेक्ट है तो फिर यहां पे आपके पास वर्ब होनी चाहिए। अब हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है टच्ड और एक है अराइव्ड। द स्टूडेंट्स के बाद देयर टीचर कभी नहीं आ सकता, द स्टूडेंट्स के बाद फीट ऑफ कभी आएगा नहीं। अब दो में से अगर छूना है तो कॉमन सेंस अगर रखेंगे तो पहले वो आएंगे तभी तो छुएंगे ना वो, यानी आप पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि हमको क्यू लेना है। ठीक है, अब हम जल्दीबाजी ना करें, चारों ऑप्शंस में जाएं और देखें कि चारों ऑप्शंस में कितने हमारे पास हैं। तीन हमारे पास क्यू से है, लेकिन ध्यान से देखें कि तीनों में ही क्यू के बाद क्या दिया गया है, दो में क्यू के बाद पी दिया गया है और एक में क्यू के बाद आर दिया गया है। हम ये देखें कि सेंस क्या है। वो स्टूडेंट्स जो हैं अराइव्ड आए, और क्या किया उन्होंने, टचड न, छुआ न, क्या छुआ, द फीट ऑफ देयर टीचर, यानी क्यू के बाद जो है अराइव्ड एंड टचड हो जाएगा, यानी क्यू के बाद पी आ जाएगा। अब हमारे पास दो में पी है, ए में भी पी है और डी में, लेकिन अब दो ही में से आपको चूज करना, तो ये देख लें क्यू पी के बाद आर आएगा या क्यू पी के बाद एस आएगा। चलिए देखते हैं, तो द स्टूडेंट्स अराइव्ड एंड टचड द, क्या छुआ उन्होंने, फीट न, यानी हो जाएगा आपका क्यू के बाद पी के बाद एस हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, क्यू पी एस आर। अब एक साथ मिला लें, द स्टूडेंट्स अराइव्ड एंड टचड द फीट ऑफ देयर टीचर विद रिवरेंस, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है, यह है आपका दूसरा पीकेवायरस क्वेश्चन। द वॉचमैन एंड फाउंड टू थीव्स वोक अप व्हेन विद ब्लैक मास्क ही हियर द डॉग बार्किंग ट्राइंग टू गेट इन। द वॉचमैन, यहां भी वही सोचना होगा आपको, द वॉचमैन हमारा सब्जेक्ट दिया गया है और या तो इसके बारे में कोई एडजेक्टाइवल फ्रेज होगा या फिर कोई वर्ब होगी। अब वो एडजेक्टाइवल फ्रेज कभी एंड फाउंड द टू थीव्स तो कभी नहीं होगा, वोक अप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन और देखते हैं आगे। द वॉचमैन वोक अप, द वॉचमैन विद ब्लैक मास्क, अरे भाई वो वॉचमैन ब्लैक मास्क के साथ होगा नहीं। द वॉचमैन ही हियर, कभी नाउन के बगल में तुरंत प्रोनाउन तो आएगा नहीं आपका, यानी पहला पोर्शन हमारा क्लियर है कि द वॉचमैन के तुरंत बाद हमको क्यू लेना है, यानी द वॉचमैन वोक अप। अब हम चारों ऑप्शंस में जाएं और देखें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे पहले आपको क्यू दे रहा है। देखें दो ऑप्शंस आपके पास हैं, ए और बी, और संयोग से दोनों में ही क्यू के बाद आपके पास एस दिए गए हैं, यानी क्लियर हो गया आपका एक चीज कि द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हियर द डॉग बार्किंग। सही है यहां पे कि वो जो वॉचमैन था वो जग गया जब उसने सुना कुत्तों को भौंकते हुए। अब हम ये देखें कि दोनों दोनों में ही आर आ रहा है, और वो जो द वॉचमैन हो गया वोक अप व्हेन ही हियर द डॉग बार्किंग, अब हमारे पास क्या है, आर है विद ब्लैक मास्क, ये तो कभी नहीं आएगा यहां पे, जो आंसर्स आपके हैं वो सही नहीं है। यहां पे आपको इसके बाद आएगा द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हियर द डॉग बार्किंग एंड फाउंड टू थीव्स, यानी पी आएगा, यानी सबसे पहले क्यू आएगा, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा। यहां पे गलती से ऐसा हो गया शायद यहां पे, तो आप अपने से बना लीजिएगा, द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हियर द डॉग बार्किंग एंड फाउंड टू थीव्स, ये टू थीव्स हैं विद ब्लैक मास्क, यानी आर जब भी आएगा पी के बाद आएगा, जबकि यहां पे आर पहले है पी बाद में है, तो हो जाएगा विद ब्लैक मास्क, और वो जो दो चोर थे ट्राइंग टू गेट इन, क्या कर रहे थे वो, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। यानी अगर हम अपने से बनाए तो सबसे पहले हमारे पास क्यू हो गया, इस क्यू के बाद हमारे पास एस हो जाएगा, फिर एस के बाद आपका पी हो जाएगा, और फिर पी के बाद आपके पास आर होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका यहां पे, सबसे पहले क्या हो गया क्यू हो गया, फिर क्या हो गया आपका एस हो गया, फिर क्या हो गया आपका पी हो गया आपका, फिर क्या हो गया आर हो गया, यानी आंसर हो जाएगा क्यू एस पी आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, दिस समर वॉज द मोस्ट टू बिलीव दैट नेक्स्ट एंड वी हैव रीजन स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी ईयर एंड द ईयर आफ्टर विल बी हॉटर स्टिल। दिस समर, यानी ये जो गर्मी थी, वॉज द मोस्ट, वो सबसे अधिक क्या थी, सबसे अधिक टू बिलीव दैट नेक्स्ट, कभी नहीं होगा, ये काट देते हैं। दिस समर वॉज द मोस्ट
एंड वी हैव रीजन, कभी नहीं हुआ, सोच के देखें। दिस समर वॉज द मोस्ट स्कॉर्चिंग, सही है, इन लिविंग मेमोरी, यानी हमारी याददाश्त में जो सबसे अधिक स्कॉर्चिंग समर थी वो ये थी, यानी ये क्लियर है कि सबसे पहले आर आएगा। ठीक है, अब जाए चारों ऑप्शंस पे, पहले में क्यू है, दूसरे में एस है, तीसरे में आर, बिल्कुल हो जाएगा, चौथे में एस है, यानी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लियर हैं कि दिस समर वॉज द मोस्ट स्कॉर्चिंग ही आएगा और एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है सी वाला, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मिला लेते हैं, तो दिस समर वॉज द मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट नेक्स्ट ईयर, ये भी क्लू था कि पी के बाद जब भी आएगा एस आएगा, नेक्स्ट ईयर देख लीजिए, पी के बाद एस है लास्ट में, और फिर ईयर एंड द ईयर आफ्टर विल बी हॉटर स्टिल, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर है चौथा आपका, फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स टू डाइव शार्पली एंड अलाउ देम टू चेज देयर प्रे दैट गिव्स देम द स्पीड टू कैप्चर देयर विक्टिम्स। फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स, ये पूरी क्लास आपके लिए ली गई है। अब ये देखें कि इनके बारे में कहीं कहीं कुछ शायद बताया गया होगा, तो फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स टू डाइव शार्पली हो सकता है, फॉल्कन्स हैव यानी ये हो सकता है, फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स एंड फॉलो देम, कभी नहीं होगा, फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स टू चेज देयर प्रे हो सकता है, फॉल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स दैट गिव देम द स्पीड, दैट गिव देम जो उन्हें स्पीड देते हैं, कौन वो विंग्स, यानी सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि जब भी पहला ऑप्शन होगा वो एस से शुरू होगा, और हमारे पास केवल दो ही शब्द हैं यहाँ पे, दो ही ऑप्शंस हैं जो एस से शुरू होते हैं, एस आर क्यू पी और एस क्यू आर पी। अब कॉमन सेंस लें आप कि अगर आपको पता है कि एस आर क्यू पी और एस क्यू, तो हम ये देख लें अगर हम क्लियर नहीं है कि एस के बाद आर आएगा या एस के बाद क्यू आएगा। ठीक है, तो फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स, पहले एस तो आएगा ही, दैट गिव देम द स्पीड, ठीक है, जो उन्हें स्पीड देते हैं, गति देते हैं, अब आर लिख देते हैं, दैट गिव देम द स्पीड टू चेज, चेज मीन्स क्या होता है, पीछा करना होता है ना, यानी एस के बाद आर सूटेबल आपके लिए है। अब ये देखते हैं कि एस के बाद अगर क्यू लेते हैं तो फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स दैट गिव देम द स्पीड, फिर है क्यू आपका, एंड अलाउ देम, यहां उस स्पीड के बारे में नहीं है, एंड अलाउ देम आ गया, यानी हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर हम ये ले रहे हैं दैट गिव देम द स्पीड, उसके तुरंत बाद ये ले लें टू चेज देयर प्रे, यानी उस स्पीड के कारण उनके पास अपने शिकार को पकड़ने का पीछा करने का स्पीड, गति मिल जाती, यानी एस के बाद आर वाला जो ऑप्शन है, एस आर वाला, वो बेटर है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका एस आर क्यू पी। अब एक साथ मिला लें, फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स, यानी उनके पास शार्प एंगुलर विंग्स होते हैं, दैट गिव देम स्पीड, द स्पीड समझते होंगे, जो स्पीड उन्हें देते हैं, गति देते हैं, किस लिए, टू चेज देयर प्रे, ताकि अपने शिकार का वो बेहतर तरीके से पीछा कर सकें। फिर क्या है आपका, क्यू है आपका, एंड अलाउ देम, और वो एंगुलर विंग्स जो हैं उन्हें एक तरह से सुविधा प्रदान कर देते हैं टू डाइव शार्पली, ताकि बहुत अच्छी तरीके से वो गोता लगा सकें, किस लिए, टू कैप्चर देयर विक्टिम्स, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, यानी आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, एस आर क्यू पी हो जाएगा। चलिए तो अब आपके सामने आ गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वॉइस के क्वेश्चन आपके हैं। पहला वाक्य आपका, ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर, जो भी बच्चे एक वॉइस करते समय सब्जेक्ट पहचान लें, उनके वर्ब पहचान लें और ऑब्जेक्ट पहचान लें, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं। ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर, कौन प्रयोग नहीं करेगा, ही यानी ये सब्जेक्ट हो गया, वो क्या नहीं करेगा, विल नॉट यूज वर्ब हो गई, वो क्या प्रयोग नहीं करेगा, द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आपका जो पैसिव बनेगा वो जब भी बनेगा द कंप्यूटर से बनेगा। अब आपका फायदा क्या पता है, ये जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है इन्हें आप खारिज कर दीजिए, मैटर फिनिश हो गया। अब आपको ए और सी में से चुनना है और तुरंत दिमाग में बना लें कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जब भी आएगी, चूंकि मॉडल है तो मैंने बताया था
कोई भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस लेता है, कोई भी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्लस बीइंग लेगा, कोई भी परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेगा, और कोई भी मॉडल मॉडल प्लस बी लेगा। यानी जहां विल नॉट यूज है वहां हर हाल में विल के साथ बी आएगा। अब हमें ए और सी में से चुनना है। द कंप्यूटर ही विल नॉट यूज, कभी नहीं सर, ये भी खत्म हो गया आपका, हो गया आंसर। द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज बाई हिम, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर के रूप में। तो ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर का पैसिव, द कंप्यूटर विल नॉट बी यूज बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन बना रहा था, बॉयज ना, ये बॉयज क्या कर रहे थे, वर मेकिंग वर्ब हो गई, ये क्या बना रहे थे, काइट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमारा पैसिव जब भी बनेगा काइट्स के द्वारा बनेगा। अब इससे आपका फायदा क्या है, एक तो आपका फिनिश हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। हमारा टेंस क्या है, वर मेकिंग, यानी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है, जब भी रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस के साथ बीइंग जुड़ेगा। द बॉयज, अरे बी ऑप्शन है, द काइट्स आर, खत्म कर दीजिए सर, काइट्स वर बीइंग हो जाएगा, लेकिन अगला आप देख लें काइट्स आर फिनिश, देख लें सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बच्चों हमेशा कहता हूं वो चार लाइनें मेरी याद कर लें, आप एक्टिव पैसिव आराम से कर सकते हैं। आप इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में जाएं, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में जाएं, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएं, और मॉडल है तो मॉडल प्लस बी का प्रयोग कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा द बॉयज वर मेकिंग काइट्स का सी ऑप्शन, काइट्स वर बीइंग मेड बाय द बॉयज हो जाएगा। चलिए एक और सेक्शन आपके सामने आ रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। पहला वाक्य है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, टीचर ने स्टूडेंट से कहा चुपचाप ग्राउंड की तरफ मार्च करो, बढ़ते रहो। अब हमें पता है कि एक इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर ये इम्परेटिव है तो ये ऑर्डर वगैरह से बनेगा, इंस्ट्रक्टेड वगैरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर हैं, बच्चों से ऑर्डर दे सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, हो जाएगा, सही हो सकता है आपका ये। फिर आगे देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट, इम्परेटिव में दैट कैसे आएगा, कभी नहीं होगा। सी है, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट, द इंस्ट्रक्टेड के साथ दैट कैसे आएगा, गलत है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी एरर है, देख लीजिएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट दैट, फिर ये भी गलत है, यानी ए ऑप्शन सही आपका है, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ फॉन्ट थोड़े सीधे उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तैयार कर लीजिएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए ये दूसरा प्रश्न है आपका नरेशन का, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव अ लाइसेंस, पुलिसमैन ड्राइवर से पूछा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। अब हमें जैसे हमने देखा सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव, एक क्वेश्चन का है, यानी हमारा क्वेश्चन जब भी बनेगा नरेशन का ये आस्क्ड से बनेगा, तो चारों ऑप्शंस में आपके पास द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब चारों में वेदर है कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी यहाँ तक सही आप। अब अगर आप देखें उसके बाद ही आएगा ड्राइवर के अनुसार, चारों में ही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला देखते हैं, ही हैज तो कतई नहीं होगा, दूसरे में ही हैव कतई नहीं होगा, तीसरे में ही हैड हो सकता है, चौथे में ही हैड हैड अ लाइसेंस कभी नहीं होगा। यानी पता है आपको कि चूंकि इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, तो द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड अ लाइसेंस, सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लास्ट सेक्शन आपका क्लोज टेस्ट का आपके पास है, पहले पढ़ लेते हैं। इन सिविलाइज्ड लाइफ देर इज अ रूल डैश वायलेंस अगेंस्ट टॉकिंग द डैश इन टू आवर हैंड्स, टेकिंग यहां पे है, इट इज रूल विच डैश ऑफ अस ऑब्जर्व्स सो ऑफन इंडीड दैट अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ डैश ऑर्डर लाइन्स एंड नॉन वायलेंस एज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ नेचर, बट वेन डैश कम्स इन टू देयर मिस डैश रिफ्यूजेज टू ऑब्जर्व द करेंट रूल्स एंड डैश द सिंपल रूल दैट माइट इज राइट द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स डैश सोसाइटी डू नॉट नो वट टू डू एंड लुक ऑन इन डैश बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन। सेंटेंसेज आपके हैं ये, इन सिविलाइज लाइफ देर इज अ रूल डैश वायलेंस against taking the dash into our hands,
अब हमें देखना है कि इन सिविलाइज्ड लाइफ मीन्स एक सभ्य जीवन में देर इज अ रूल डैश वायलेंस, रूल अगेंस्ट वायलेंस होगा, रूल आफ्टर वायलेंस होगा, रूल अपॉन वायलेंस होगा, रूल एट वायलेंस होगा। आप समझते होंगे वायलेंस के खिलाफ रूल हमारे पास जो होगा, यानी यहाँ जो ए ऑप्शन आपका मतलब पहला ऑप्शन है रूल अगेंस्ट वायलेंस हो जाएगा। इसका एक क्लू भी आगे देखें, यहाँ पे है रूल अगेंस्ट वायलेंस, आगे भी है अगेंस्ट टेकिंग द, यानी हमारे यहाँ पहले ऑप्शन में अगेंस्ट हो जाएगा। तो इन सिविलाइज्ड लाइफ देर इज अ रूल अगेंस्ट वायलेंस, यानी वायलेंस के खिलाफ एक रूल है। अगेंस्ट टेकिंग द, अगेंस्ट टेकिंग द क्या चीज, क्या चीज ऐसा है जो आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अगेंस्ट टेकिंग द रूल, क्या अगेंस्ट टेकिंग द रूल अपने हाथ में लेते हैं क्या आप? अगेंस्ट टेकिंग द पुलिस, पुलिस को अपने हाथ में लेते हैं क्या आप? अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इन टू आवर हैंड्स, बिल्कुल हो जाएगा। आप याद करिए कानून अपने हाथ में लेना, तो जहां लिखा अगेंस्ट टेकिंग द, यहां डैश क्या हो जाएगा, अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इन टू आवर हैंड्स। यानी दो ऑप्शन है, इन सिविलाइज्ड लाइफ देर इज द रूल अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इन टू आवर हैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज अ रूल, इट इज अ रूल विच डैश ऑफ अस। अब हमें देखना है इट इज अ रूल, ये वो रूल है विच, जो कि मेनी ऑफ अस होगा, मोस्ट ऑफ अस होगा, एवरी ऑफ अस होगा, नन ऑफ अस होगा। अगर यहां पे ऑब्जर्व्स है तो हो जाएगा इट इज अ रूल विच मेनी ऑफ अस के साथ ऑब्जर्व्स कैसे होगा, कभी नहीं होगा। विच मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व्स कैसे होगा, विच एवरी ऑफ अस ऑब्जर्व्स सो ऑफन हो सकता है, विच नन ऑफ अस ऑब्जर्व्स सो ऑफन, इंडीड दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ, ठीक है, यानी इट इज रूल विच एवरी ऑफ अस ऑब्जर्व्स सो ऑफन। वैसे यहां पे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस होना चाहिए था, लेकिन मोस्ट ऑफ अस के बजाय चूंकि यहां पे ऑब्जर्व्स लिया गया है तो मोस्ट ऑफ अस के साथ ऑब्जर्व्स कैसे हो जाएगा, ऑब्जर्व होगा, तो शायद यहां पे या तो एरर यहां पे ऑब्जर्व्स में ऑब्जर्व होता तो मोस्ट हो जाता, या फिर अगर ऑब्जर्व्स है तो आप एवरी आप लेना पड़ेगा, एवरी ऑफ अस सो ऑफन। इंडीड दैट अ ग्रेट, दैट अ ग्रेट, अब यहां पे पीपल हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास पीपल है, पीपल के लिए क्या कैपेसिटी, ग्रेट कैपेसिटी आप पीपल लगाएंगे, ग्रेट अमाउंट आप पीपल लगाएंगे, ग्रेट सम आप पीपल लगाएंगे, या ग्रेट नंबर आप पीपल लगाएंगे। कोशिश करिए सोचने की पीपल काउंटेबल है तो फिर हम क्या लगाएंगे यहां पे, नंबर ना, तो जाएगा विच एवरी ऑफ अस ऑब्जर्व्स, या विच मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन, इंडीड दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, यानी हमारे पास यहां जो चौथा ऑप्शन है यहां हो जाएगा ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ, ठीक है, गो थ्रू लाइफ। फिर अब इसके बाद क्या चीज लेना है आपको, नॉट एक्सेप्टिंग हम करते हैं क्या, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट करते हैं, या एक्सपेक्टिंग मीन्स अपेक्षा करते हैं, तो जाएगा दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ क्या हो जाएगा, स्वीकार करते हुए ना, तो गो थ्रू एक्सेप्टिंग हो जाएगा, यानी हमारा जो नेक्स्ट नंबर आपका है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्सेप्टिंग एवरी एक्सेप्टिंग ऑर्डर लाइंस एंड नॉन वायलेंस एज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ नेचर, बट वेन एवरी वन कम्स इन टू देयर मिस्ट या वन एनी वन कम्स क्या हो जाएगा, लेकिन जब कोई भी कम्स इन टू देयर मिस्ट, इन कोई भी इनके बीच में आता, कोई भी मीन्स एनी वन, यानी आपके पास हो जाएगा एनी वन हो जाएगा, तो एनी वन कम्स वेन एनी वन कम्स इन टू देयर मिस्ट, अब यहां पे हो गया आगे आपके पास एनी वन के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, हु, हुम या हाउ, हु लगाएंगे, स्पष्ट है कि हु रिफ्यूजेज हो जाएगा, यानी हु ऑप्शन हो जाएगा यहां पे, तो हु रिफ्यूजेज टू ऑब्जर्व द करेंट रूल्स एंड अब यहां एनी वन आपने लिया था ना सब्जेक्ट, तो अपने से समझ जाए आप, फॉलो तो होगा नहीं, फॉलोइंग होगा नहीं, फॉलोड होगा नहीं, हम प्रेजेंट के बात कर रहे हैं, तो एनी वन के हिसाब से क्या लग जाएगा आपके पास, कोशिश करें सोचने की, फॉलोज हो जाएगा, एंड फॉलोज द सिंपल रूल
दैट माइट इज राइट, जब वो ये मानता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ, हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट, सोच के देखें आप, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डू नॉट नो वॉट टू डू एंड लुक ऑन इन, और वो देखते हैं, किस रूप में देखते होंगे, हेल्पलेस बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन, हेल्पफुल तो है नहीं, आप ये हेल्पलेस ही महसूस करेंगे वो, तो जो लास्ट ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा हेल्पलेस बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन, यानी दसों में आपका हेल्पलेस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरा कि हमने कौन कौन से गैप्स इसमें फिलर्स में भरे हुए हैं, तो हम लास्ट देख लें, इन सिविलाइज लाइफ देर इज अ रूल अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इन टू आवर हैंड्स, इट इज रूल विच, यहाँ के हिसाब से एवरी ऑफ अस सो ऑफन इन डेट ऑब्जर्व सो ऑफन इन डेट दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ एक्सेप्टिंग ऑर्डरलीनेस, डबल एस रहेगा, एंड नॉन वायलेंस एज ग्रेट एज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ नेचर, बट वेन एनी वन कम्स इन टू देयर मिस्ट हु रिफ्यूजेज टू ऑब्जर्व द करेंट रूल्स एंड फॉलोज द सिंपल रूल दैट माइट इज राइट, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट नो वॉट टू डू एंड लुक ऑन इन हेल्पलेस बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन। चलिए, मेरा प्रयास है थोड़ा सा और इससे मेहनत करें आप, ये आगे आपको बताना है, कॉमन एरर्स का एक सेक्शन आने वाला है जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इसके लिए वेट करें, जल्दी ही आपको ये एक क्रम से मिलता रहेगा आपको। और ये एक प्रेजेंटेशन है सुपर 60 एजुकेशन हब का, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।